नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 19, निबंध लेखन। किसी विषय पर निबंध लिखने का अर्थ होता है उस विषय से संबंधित, उस विषय से जुड़े हुए अपने विचार एवं मत प्रकट करना कि हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। निबंध एक लेखक के विचारों की अभिव्यक्ति का वह साधन होता है जिसके माध्यम से वह स्वयं को प्रकट करता है। यदि हम किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं, अपने विचारों को सबके सामने रखना चाहते हैं, तो निबंध उसके लिए अच्छा माध्यम हो सकता है। निबंध पाठकों को किसी विषय विशेष के बारे में उसके विचारों से अवगत कराता है। निबंध से पढ़ने वाले को पता चलता है कि लेखक के विचार किस प्रकार के हैं और उसका मत क्या है। निबंध लिखते समय अनुकरण करने वाले मुख्य बिंदु, प्रस्तावना। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका निहित होती है। इसमें विषय का परिचय दिया जाता है। इसमें विषय के संबंध में लेखक के विचार मुख्य रूप से दिए जाते हैं। विस्तार, यह निबंध का प्रसारित रूप है। इसमें विषय से संबंधित प्रत्येक बिंदु को अलग अलग अनुच्छेदों में विस्तार पूर्वक समझाया जाता है। उपसंहार, निबंध के अंतिम भाग को हम उपसंहार कहते हैं। इसमें विषय को सार रूप में लिखा जाता है। नीचे कुछ निबंध दिए जा रहे हैं, इनके आधार पर स्वयं निबंध लिखने का प्रयास करो। प्रदूषण एक गंभीर समस्या। तो बच्चों, पढ़ते हैं इसे और समझते हैं कि हम किस प्रकार निबंध को लिख सकते हैं। वर्तमान समय में प्रदूषण सरकार के लिए तथा शहरों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह मात्र एक राष्ट्र ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व के लिए एक खतरा बन चुका है। इस युग में जहां एक और हरियाली मिट रही है, वहीं प्रदूषण भी बढ़ रहा है। प्रदूषण के बढ़ने का प्रमुख कारण है जनसंख्या। आज बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण खेतों के स्थान पर हर ओर मकान बने हुए दिखाई दे रहे हैं। कारखानों से निकलने वाला धुआं और गैसें वातावरण की शुद्ध वायु में मिलकर उसे दूषित कर रहे हैं, जिससे लोगों में श्वास, त्वचा व फेफड़ों संबंधी रोग बढ़ रहे हैं। सड़कों पर दौड़ने वाली बसों, ट्रकों, कारों, स्कूटरों आदि से निकलने वाले धुएं ने तो वातावरण को धुंधला कर दिया है। कारखानों और सड़क पर चलने वाले वाहनों के धुएं के कारण शाम के समय आसमान काले रंग का दिखाई देता है। वातावरण दूषित होने के कारण मनुष्यों में बीमारियां लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। नदियों का पानी, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है, उसमें भी कारखानों का गंदा पानी तथा लोगों का मल मूत्र बहाया जा रहा है। मृतक पशुओं को लोग नदियों के किनारे फेंक देते हैं, जिससे पानी और वायु दोनों ही प्रदूषित होते हैं। हमें प्रदूषण को सरकार की समस्या नहीं, बल्कि अपनी स्वयं की समस्या समझना चाहिए। हमें खुली जगहों या सड़कों पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए। जरा सोचिए, प्रदूषण आज ही इतनी बड़ी समस्या है, तो आने वाले समय में क्या होगा। अगर हमें प्रदूषण को रोकना है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगानी होगी। प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित प्रयोग पर रोक लगानी होगी, तभी हम प्रदूषण से मुक्ति पा सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा निबंध है, विज्ञान एक चमत्कार या अभिशाप। तो बच्चों, इस निबंध का पाठन आप स्वयं करेंगे। आगे चलते हैं, ऋतुओं की सरताज वसंत ऋतु। चलिए पढ़ते हैं इस निबंध को। हमारे देश भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। हमारे देश में भिन्न भिन्न रूप, रंग व आकार के लोग हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की संस्कृति भी भिन्न है। इतनी विभिन्नताएं होते हुए भी सभी भारतवासी एक हैं। यहाँ के मौसम भी भिन्न भिन्न है। हमारे देश में 6 मुख्य ऋतुएं हैं और वसंत ऋतु उनमें से एक है।
हमारे देश में वसंत ऋतु का आगमन फरवरी मार्च में होता है। इस ऋतु के आते ही प्रकृति में चारों ओर पीला रंग दिखाई देता है। सरसों के पीले फूलों से खेत लहलहा उठते हैं। हरे भरे गेहूं के खेतों को देखकर लोगों के मन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। हर ओर हरे भरे बागों में खिले फूलों पर मंडराती तितलियां, गाते भंवरे खेतों में फैली पीली सरसों के फूल मानो वसंत के आगमन का स्वागत करते नजर आते हैं। इस समय तक आमों पर बौर आ जाते हैं। कोयल आमों की डाली पर जब कूकती है तो सबका मन प्रसन्न हो उठता है। वसंत के आगमन पर शीतकाल समाप्त हो जाता है तथा ठंड से त्राही त्राही करते लोगों को राहत मिलती है। यह ऋतु स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इस ऋतु में ना अधिक सर्दी होती है ना ही अधिक गर्मी। लोगों में काम करने की शक्ति बढ़ती है, वे अधिक परिश्रम करने लगते हैं। कवियों तथा लेखकों ने वसंत ऋतु का मनमोहक चित्रण किया है। धरती का श्रृंगार करने वाली यह वसंत ऋतु सदा से ही सबका मन मोहती रही है। तो बच्चों, इसी प्रकार से हम किसी भी विषय पर निबंध लिख सकते हैं। अगला है मेरे जीवन का उद्देश्य। चलिए पढ़ते हैं। जीवन अनमोल है, हमें इसे व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। जीवन को सार्थक करने के लिए हमें कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य तय करना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य या उद्देश्य के बिना जीवन पथ पर आगे बढ़ना मूर्खता है। लक्ष्य तय करके उसे पाने में हमें अपनी समस्त शक्तियां लगा देनी चाहिए। बहुत सोच विचार कर मैंने अध्यापक बनने का निश्चय किया है। एक योग्य व आदर्श अध्यापक बनना बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी संत कबीर का यह दोहा पढ़ा था, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु का स्थान ईश्वर से उच्च है। मेरे विचार से अध्यापक बनना गौरव की बात है। मैंने दादी माँ से वाल्मीकि, द्रोणाचार्य, गुरु रामकृष्ण परमहंस तथा ऋषि विश्वामित्र की कहानियाँ सुनी थी। तभी से मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा भाव जगे हैं। उसी समय मैंने यह प्रण किया कि अध्यापक बनना ही मेरा जीवन लक्ष्य होगा, क्योंकि वे गुरु ही थे जिन्होंने समाज को अर्जुन, विवेकानंद, एकलव्य जैसे शिष्य दिए। मुझे लगा कि अध्यापक बनकर बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है, उन्हें कला संस्कृति की सीख दी जा सकती है, सच झूठ में अंतर करवाया जा सकता है। आज का बच्चा कल का भविष्य है। उसे देश प्रेम का पाठ पढ़ाकर, नैतिक मूल्यों की सीख देकर हम भारत के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अध्यापक बनने का सपना देखने के साथ ही उसे पूरा करने का प्रयास मैंने अभी से शुरू कर दिया है। मैं प्रत्येक विषय को गहनता से पढ़ता हूँ, अपने अध्यापकों के पढ़ाने के ढंग को ध्यान से देखता हूँ, योग्य गुरुओं के संरक्षण में रहता हूँ ताकि अपना लक्ष्य पूरा कर सकूँ। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि इस लक्ष्य को पूरा करने में मेरी सहायता करें। तो बच्चों, आप सबके जीवन का भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। आप क्या बनना चाहते हैं, जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप सब भी इस विषय पर एक निबंध अवश्य लिखिए। चलिए, क्या पढ़ा क्या सीखा, निम्नलिखित शीर्षक के मुख्य विचार तथा बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखो। तो बच्चों, यहाँ आपको कुछ प्रमुख बिंदु दिए जा रहे हैं जिनकी सहायता से आप एक निबंध बनाएंगे। वृक्ष हमारे सच्चे मित्र। वृक्ष क्या है? प्रकृति में अनेक चीजें, नदी नाले, पहाड़, जंगल, समुद्र आदि, पेड़ पौधे चारों तरफ, जंगल में, पहाड़ों पर, शहरों और गाँव में। वृक्षों से क्या लाभ है? लकड़ी मिलती है, फर्नीचर, घर, दरवाजे आदि। पेड़ वन्य जीवन के लिए जरूरी, जंगली जानवर, पक्षी, बंदर आदि।
वृक्षों से बारिश, जमीन की सुरक्षा, वृक्षों से खाने पीने की चीज़ें, फल, दवाइयाँ, मसाले, काजू, इलायची आदि, कुछ विशेष वृक्ष, रबड़, चंदन, लाख, पेड़ों से कागज। तो बच्चों, आपको अब इन बिंदुओं का प्रयोग करके एक निबंध लिखना है। आज की स्थिति क्या है? लोग वृक्ष काटते हैं, नए वृक्ष नहीं लगाते, जंगल काटकर घर बनाते हैं, जानवरों को मारते हैं, इससे बहुत नुकसान होता है, प्राणी खत्म, बारिश कम, लोग पहाड़ भी काटते हैं। हम क्या कर सकते हैं? प्राणियों को ना मारें, बिना आवश्यकता जंगल ना काटें, लकड़ी का उपयोग कम करें, नए पेड़ लगाएं, शहर में भी पेड़ लगाएं। अंत में पेड़ पौधों के बारे में 2-3 पंक्तियों में अपनी बात कहो। तो इन बिंदुओं की सहायता से आपको एक निबंध लिखना है। चलिए बच्चों, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से निबंधों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो, संबंधित चित्र भी बनाएं अथवा चिपकाओ। तो आपको इन संकेतों की सहायता से निबंध भी लिखना है और उससे संबंधित चित्र भी बनाना है। हमारा भारत वर्ष, देश का नाम, राजधानी, झंडा, राष्ट्रगान, देश की सीमाएं, पड़ोसी देश, सबसे पहले आप इसके बारे में बताएंगे, फिर देश की भौगोलिक स्थिति, समुद्र, नदियां, पहाड़, जंगल, देश में यातायात, देश का संगठन, राज्य, बड़े शहर, गांव, आबादी, देश की प्राकृतिक स्थिति, मौसम, जानवर और पशु पक्षी, फिर देश के लोग, धर्म, भाषाएं, खान पान, त्यौहार, पोशाक आदि। इसी तरह से बच्चों, मौसम के बारे में लिखेंगे, इन संकेतों को आप स्वयं पढ़ेंगे और अच्छा सा निबंध बनाएंगे। और यहाँ पर आपको बिना संकेतों के भी कुछ शीर्षक दिए हुए हैं, कुछ विषय दिए हुए हैं, निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखने का प्रयास स्वयं करो। यहाँ आपको कोई संकेत नहीं दिया हुआ, जो भी आपके विचार हो, जो भी आपका मत हो, आप उसकी सहायता से निबंध बनाएंगे। भारतीय किसान, राष्ट्रीय पर्व, परिश्रम, सफलता की सीढ़ी, मधुर वाणी, रेल का सफर, बस की यात्रा। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।